कृषि विशेषज्ञ इंद्रजीत दीक्षित जी से बातचीत करते हैं कि इस समय इस विकट परिस्थिति में हमें किस तरह की सावधानी हमारे किसान भाइयों को रखनी है और किस तरह से कार्य योजना बनानी है। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार इंद्रजीत दीक्षित साहब, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि कृषि के क्षेत्र में इस वक्त जो पूरे मध्य प्रदेश के किसान हैं, अगर हम क्षेत्र वाइज बात करें, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, इन सब की बात करें, तो जो नुकसान हुआ है किसानों को, इन नुकसान की भरपाई किसान कैसे कर सकते हैं? जैसा आपका प्रश्न है, किसानों के नुकसान की भरपाई का तो कहीं किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। और ऐसे में एक किसान ऐसा आर्मी है, इसको हम आर्मी बोलते हैं, क्योंकि आर्मी का जो रोल होता है वो डिजाइन होता है, डिसाइड होता है, बट जो किसान भी एक आर्मी है जो इंटरनल देश के अंदर सेवा करती है सबको जी। और ऐसे में ये जो भरपाई है, हमारी आर्मी, हमारे किसान बंधु खुद इसका रिव्यू कर रहे हैं, लास्ट एक दो महीने से कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ऐसे में अभी हार्वेस्टिंग गेहूं की सब लोग ने कर लिया होगा, बट मेरा जहां तक सुझाव है कि समय पूरी जो तैयारी है, पूरा जो फोकस है किसान भाइयों का, उनको पूरा तरह से करना चाहिए आने वाले जो है खरीफ का, जिसे मेनली आपका सोयाबीन है, मालवा रीजन पूरा जो है आपका सोयाबीन के लिए जाना जाता है, और मध्य प्रदेश भी एक तरह से सोयाबीन के लिए जाना जाता है, और सोयाबीन के लिए इनको पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। एंड जो आपका इधर आपका बघेलखंड की जो चर्चा आपने किया, ये सियुनी का, बालाघाट, ये एरिया में मक्का और राइस का, धान का बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है, तो मेरा सुझाव है कि अभी इनको जल्दबाजी, क्योंकि अभी 3 मई तक लॉकडाउन ओपन होगा, जैसा कि मोदी साहब ने बोल रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, बट मुझे मानना है कि इनको अभी तो करंट में कुछ ऐसा सुझाव मैं नहीं देना चाहूंगा किसानों को, बट जरूर सुझाव देना चाहूंगा एक विशेषज्ञ, और इनकी सेवा का जो माध्यम मुझे आज मिला आपके माध्यम से, ये लोग पूरा फोकस करें आने वाले खरीफ समय में, जिसका समय 50 से 60 दिन रह गया है, आने वाली फसलों की तैयारी की जाए। फसलों की तैयारी के लिए सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये बहुत अनुभवी है हमारे किसान, इन किसानों को किसान नाम भले दिया गया हो, बट मुझे अच्छी तरह याद है जब इस समय नारा लगाया गया था जय जवान जय किसान, उस दिन से ये देश को सब साबित कर दिया गया है कि एक जवान भी है, जैसे जवान जिस तरह हमारा देश का सेवा करता है, ऐसे किसान भी हमारे देश का सेवा करता है, तो हमारे किसान बहुत अनुभवी है, बट किसान से हमारा ये कहना है कि किसी भी प्रकार का आप रिसर्च मत करिए। यदि आप धान के विशेषज्ञ हैं, धान की खेती आप 10 साल से करते आए हैं, आप धान का चयन करिए, आप सोयाबीन की खेती करने में आपको महारत हासिल है, सोयाबीन को टारगेट करिए, मक्का है तो मक्का करिए, कपास है तो कपास करिए। रही बात तैयारी की, तो 50 से 60 दिन समय अभी बचा है आपके पास में, बीज का चयन करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बीज का चयन अच्छा करिएगा, क्योंकि बीज से ही उत्पादन का सीधा रिश्ता होता है। दूसरा, पेस्टिसाइड का चयन भी आपको सुझाव जो है विभिन्न विभिन्न अधिकारियों से, एसएडीओ से, एग्रीकल्चर अधिकारियों से, प्राइवेट कंपनियां बहुत काम कर रही हैं, उनसे भी आप सहायता लेकर के पेस्टिसाइड का चयन भी आपको बहुत अच्छे ढंग से और अच्छी गुणवत्ता पेस्टिसाइड इस साल यूज करना है, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा और आपकी लागत भी कम आएगी। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन एक भय सभी किसानों के मन में भी है, क्योंकि एक तरफ फसल कटी हुई रखी हुई है, फिर आने वाले समय में अपने मन को बनाते हुए और तैयारियां करनी है, तो एक संकल्प और एक मजबूती तो मन में लानी ही होगी सभी को। दीक्षित साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना का जो प्रभाव है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में आगे दिखेगा? देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोरोना का कोई ग्रामीण और शहरी से कोई उसका भेदभाव नहीं है, कोरोना को ओनली मनुष्य से जो है, मानव जात का वो दुश्मन है और मानव जात से उसको मतलब है, तो मानव से मानव में फैलने वाला ये एक वायरस है, और मनुष्य से मनुष्य जहाँ कांटेक्ट आएगा, किसी गांव में यदि सिंगल मनुष्य को भी यदि कोरोना हुआ, किसी भी तरह से भगवान ने करे ऐसा हो, तो वो गांव में जिसके भी संपर्क में आएगा, तो उसका उम्मीद है कि कोरोना ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, हमारा ये कहने का जी जी, ऐसे में मेरा कहना यह है कि ग्रामीण किसान बंधुओं से इसको बिल्कुल भी, आप जो है इससे बहुत ही सजग रहें, और जो भी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो आपको गाइड कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, इसका पूरा पूरा
कड़ाई के साथ आप पालन करें, किसान बंधुओं बिल्कुल लूज ना हो इसमें आप। जी, जी। चलते चलते एक और प्रश्न दीक्षित साहब आपसे हम करना चाहेंगे कि किसान जो है हर विपदा में सबसे ज्यादा संकट में आता है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे अतिरिक्त पानी की हो मार, या अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, या सूखा हो, या बीज नहीं मिल पाना हो, या जो है खाद नहीं मिल पाना हो, वो किसी न किसी रूप में परेशान होता ही रहता है। और इस समय सब कुछ अच्छा, मतलब बारिश इस वक्त बहुत अच्छी हुई थी, उसके बाद इस तरह की महामारी ने घेर लिया, तो ग्रामीण परिवेश में आने वाले दिनों में उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, मैं फिर भी आपको रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय मनोबल एक ऐसा चीज होता है जिसका मनोबल बढ़ जाता है तो बड़ी से बड़ी लड़ाइयां वो जीत सकता है। और मैं इसीलिए किसानों को बोला है, किसान हमारा एक आर्मी की तरह है, उसका मनोबल बहुत ऊंचा है, उसने अपने पुराने जब से देश हमारा आजाद हुआ है 70 सालों से बहुत ऊंचाई और नीचे जाके उन्होंने देखा है अपने जीवन को, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारा किसान कमबैक करेगा, आगे बढ़ेगा और देश की सेवा में पूरा योगदान देगा, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। बट साथ में जरूर कहना चाहूंगा कि यदि मेरा आर्मी यदि सुरक्षित रहेगा, ये किसान आर्मी, तभी हम देश को मजबूत कर पाएंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, डिस्टेंस बना के रखें और बिल्कुल भरोसा रखें अपने आप पे, आप बहुत आगे लेके जाओगे देश को और पूरे विश्व में अपना नाम दर्जा करोगे किसान बंधुओं। ऐसा मैं आपको तरफ से मेरी उम्मीद है पूरी। जी, आपकी इस उम्मीद के साथ हम सभी को बताना चाहेंगे, वैसे सभी को एक खबर पहुंच चुकी है, सभी को खबर मिल चुकी है, लेकिन जिन श्रोताओं को, जिन लोगों को ये खबर नहीं मिली, उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मौसम विभाग ने बता दिया है कि इस बार भी मानसून बहुत अच्छा रहेगा, तो उस तरीके से घबराने, जी उतना घबराने की जरूरत नहीं है, एक संबल के साथ, एक विश्वास के साथ, धैर्य रखते हुए आपको आगे चलना होगा। दीक्षित साहब, आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है, और एक कोई गीत आपकी पसंद का जो आप भी सुनना चाहें और किसानों को, हमारे किसान भाइयों को, श्रोताओं को भी सुनवाना चाहें। ऐसा तो नहीं है, वैसे समय में गीत की जहां बात आती है तो मैं चाहूंगा कि एक 1970 में राजेश खन्ना की मूवी होती थी, शायद पूरा श्योर तो नहीं हूँ, सरिता टैगोर के साथ था वो, नदिया सफर पिक्चर था, नदिया बहे बहे रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, जी जी तारा, नदिया चले, माफी चाहूंगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें चलना ही होगा, जी जी जी, गीत हम चाहेंगे कि हमारे किसान बंधु, हमारे जो जवान है, इसको जो है जरूर सुने। बिल्कुल सही बात है दीक्षित साहब, दुनिया जो है हर सुख सुविधा के माध्यम से अगर उसको ना भी मिले तो भी वो चल सकती है, लेकिन किसान जब तक अन्न पैदा नहीं करेगा उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, पूरा सहमत हूं। जी। और संजीव और सभी सुनने वालों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए, इन दिनों हम इतना तो सीख गए हैं कि हम बहुत सीमित वस्तुओं के साथ, चीजों के साथ, सुविधाओं के साथ भी जी सकते हैं, और यही लड़ाई हमें और आगे ले जाएगी। बिल्कुल, और उस नारे को दोहराते हुए, जय जवान जय किसान। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।